हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरबी मिश्रा, माई यूट्यूब चैनल इज फेस ट्रिक। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चाहे वो सीबीएसई के लिए हो या जेई या नीट के लिए, कैपेसिटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आप ध्यान से समझना इस टॉपिक को। इसमें कुछ चीज जैसे स्फेरिकल, अब टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में आप देखोगे तो एक पैडल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कस आप लोगों को करूँगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना भी है और नोट डाउन करते चलना। तो सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मीन्स, जब वो कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। अब चार्ज कौन स्टोर करेगा? द डैट डिवाइस, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। वैसे नो, जो हम कॉमर्शियल नेम, जो कैपेसिटर इज द टेक्निकल नेम, अगर हम इसका कॉमर्शियल नेम लेते हैं तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसर, जो नॉर्मली आप यूज भी करते हो, जैसे फैन में आप देखो वो बैटरी की तरह लगे, दिस इज द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो बहुत सारे आप वॉशिंग मशीन में यूज करते हो, देखते हो टेक्नीशियन आता है तो बोलता है, अगर वॉशिंग मशीन वर्क नहीं कर रहा तो बोला जाता है कि कंडेंसर आपका खराब हुआ। तो कॉमर्शियल नेम इज कंडेंसर एंड द टेक्निकल नेम इज द कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है टू कैपेसिटी, कैपेसिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज होगा, चार्ज जो एनर्जी स्टोर, एक्चुअली इसमें स्टोर होता है एनर्जी, बट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस एंड द डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर एंड इट्स कॉमर्शियल नेम नेम इज कंडेंसर। कैपेसिटर को नॉर्मली नोटेशन हम क्या देते हैं, नोटेशन। तो दो प्लेट बनाते हैं, एक ऐसे और एक ये, इसका मतलब हो गए ये कैपेसिटर का सिंबल। वैसे बैटरी की तरह दो प्लेट, नॉर्मली अब क्वेश्चन में देखो तो दो प्लेट पैरेलल ड्रॉ किया होता है, मीन्स बैटरी की तरह होती है। यहाँ मैं डिफ्रेंशिएट करके मैंने बताया कि एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव होगा, वो कैपेसिटर बनेगा। लाइक इसको हम पॉजिटिव ले लेते, इसको नेगेटिव ले, तो अपनी कन्वेंशन है। तो दिस इज द कैपेसिटर, इसी में नॉर्मली और ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते, दोनों नोटेशन के लिए। अगर इसी में दिस इज द कैपेसिटेंस, अगर इसमें हमें तुम्हें बोला जाए क्वेश्चन में वेरिएबल कैपेसिटर अगर ड्रॉ करना है, वेरिएबल कैपेसिटर, तो हमें क्या करना है, दो प्लेट ऐसे ड्रॉ करना है, एक एरो इस पर डाल देंगे, तो दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटर। यूनिट, अगर हम कैपेसिटेंस का यूनिट, तो हम यूनिट हम बताएंगे फॉर्मूला से, नॉर्मली हमने यहां पर नोटेशन बताया। अब क्वेश्चन ये है कि एक प्लेट पॉजिटिव और दूसरी प्लेट नेगेटिव, तो ये तो बैटरी को भी हम इसी से नोटेशन से डिनोट करते हैं कि एक पॉजिटिव प्लेट होता है दूसरा नेगेटिव। और बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस समझना है, देखो यहां भी चार्ज स्टोर होते हैं, बैटरी में भी चार्ज स्टोर। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि दिस कैपेसिटर इज चार्ज, कैपेसिटर इज चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस चार्जिंग इज द इंस्टेंटेनियस। जब हम पावर सप्लाई देंगे, कैपेसिटर चार्ज हो गए, एनर्जी स्टोर है, वो फैन को सप्लाई, चाहे वो वॉशिंग मशीन है उसे सप्लाई देगा एनर्जी। लेकिन बैटरी वो चार्ज होता है, मतलब उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होती है
which convert chemical energy into electrical. बैटरी में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होता है एंड दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, दिस इज द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, बट बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होता है दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग. तो अगर डिस्चार्ज भी होगा तो उसको टाइम उतनी ही ज्यादा लगेगा, लेकिन कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज भी होता है, इंस्टेंटली डिस्चार्ज भी होता है, तभी हम नॉर्मली कैपेसिटर को प्रेफर करते हैं जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. क्लियर हो गया? कैपेसिटर का पर्पस इंस्टेंटली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अगर करना है तो हमें कैपेसिटर को लेना है, लेकिन अगर ड्यूरेशन ज्यादा होगा तो बैटरी. तो बैटरी दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो वो हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस. यहां आपको बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा. बैटरी दैट डिवाइस डिस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, तभी तो बैटरी में पानी डालते हो डिस्टिल्ड वाटर. और यहां कोई हमें केमिकल एनर्जी नहीं है, केवल दो प्लेट होती है उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक होती है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी चार्जिंग होती है. क्लियर है दोनों में डिफरेंस? अब हम आ जाए कैपेसिटेंस का हम यूनिट लेंगे, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस. कैपेसिटर हमने अभी क्या बताया कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड हुआ इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, वैसे बैटरी में भी एनर्जी स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज. तो चार्ज स्टोर होगा, बट जो कैपेसिटर है चार्ज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होता है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब हमने क्या बताया कि अब जैसे जैसे बैटरी को चार्ज करना है या कैपेसिटर को, तो हमें पावर सप्लाई आएगी तभी तो कैपेसिटर वर्क करेगा. तो जिस प्रोपोर्शन में आप वोल्टेज सप्लाई देते रहोगे चार्ज उसी प्रोपोर्शन में स्टोर होती जाएगी. तो हम क्या लिखेंगे, क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड क्यू दिस इज इक्वल टू सी इनटू वी, वेयर सी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो C this is equal to proportionality constant, this is called capacitance. तो C is Q by V. तो यूनिट यहां से अगर हम लिखते हैं तो चार्ज का यूनिट कूलम, V means वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, और फैराड F से. This is also called farad. Farad is a standard unit. SI units हम देते हैं. Farad में अब तुम्हें जो numerical में use होता है mu f, this is called micro farad. Means 10^-6 farad. Micro farad. This is also called picofarad. 10^-12 NF, this is called nanofarad. Means 10^-9 This is the unit of capacitance. अब हम आ गए types of capacitors. First, this is called parallel plate capacitor. Second is spherical
कहता है से एंड थर्ड इज सिलिंड्रिकल पैरेलल प्लेट सीबीएसई में, ये सीबीएसई में पैरेलल प्लेट, सीबीएसई में ये दोनों नहीं, ये थ्री टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट ही केवल हमारे सिलेबस में करना है। अब पैरेलल प्लेट के लिए प्रिंसिपल हमें जानना है, मींस कैपेसिटर फॉर्म कराने के लिए मस्ट क्या है कि वन प्लेट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर शुड बी नेगेटिवली चार्ज, तो हमें कैपेसिटर की फॉर्मेशन हो जाए। कैपेसिटर के लिए दो प्लेट चाहिए, वन प्लेट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर शुड बी नेगेटिवली चार्ज, तभी हमें कैपेसिटर की फॉर्मेशन होगा। तो कैपेसिटर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, यहां इंडक्शन के प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। हमें दो प्लेट लेना है, एक हम लेंगे पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, मींस इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, और कौन सी चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। एक हमें लेना है न्यूट्रल प्लेट, दिस इज द न्यूट्रल, न्यूट्रल प्लेट, मूव न्यूट्रल प्लेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव प्लेट के टुवर्ड्स मूव कराते हैं, मूव न्यूट्रल प्लेट towards the positive, जैसे पॉजिटिव प्लेट के टुवर्ड्स मूव करेगी तो दिस इज द पॉजिटिव एंड सेकेंड इज न्यूट्रल। ये न्यूट्रल प्लेट जब पॉजिटिव पे पास मूव करेगा तो बाई इंडक्शन यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां पॉजिटिव बैक साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। बट कैपेसिटर फॉर्म होने के लिए रिक्वायर्ड क्या है, वन प्लेट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज एंड द सेकंड शुड बी नेगेटिवली चार्ज, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव साइड है उसे हमें अर्थिंग कर देना है। अर्थिंग करने से क्या होगा, नेक्स्ट हम डायग्राम में आते हैं कि एक हमने पॉजिटिव प्लेट लिया, दूसरा नेगेटिव मतलब न्यूट्रल प्लेट, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस यहां नेगेटिव है। अर्थिंग करने के बाद ये चार्ज वैनिश हो जाएगा। जिस साइड में आप अर्थिंग करोगे उस साइड की चार्ज वैनिश कर जाएगी, तो इसका मतलब नेक्स्ट जो हमारा डायग्राम बनेगा उसमें ये पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, ये अर्थिंग है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्लेट बन गई, कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो गया, इसके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट हम आ जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमने अभी एक चीज बताया कि जिस प्रोपोर्शन में हम चार्ज स्टोर करेंगे, चार्ज वोल्टेज सप्लाई देंगे, चार्ज उसी प्रोपोर्शन में स्टोर होती रहेगी। अगर हम जितना ज्यादा वोल्टेज सप्लाई देंगे उतनी उसी प्रोपोर्शन में चार्ज भी स्टोर होता जाएगा। तो अगर हमें क्यू और वी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, क्यू और वी का, यहां क्यू और यहां वी, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा एंड इट स्लोप डिनोट द कैपेसिटेंस। अब स्लोप हमेशा हम एक्स एक्सिस से लेते हैं, तभी तो इसमें क्वेश्चन अगर आता है अगर एक्सिस को चेंज कर देना, लाइक यहाँ वोल्टेज और यहाँ चार्ज, और तुमसे पूछा जाएगा किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है,
तो वोल्टेज एक्सिस ऑफ स्लोप मीन्स थीटा 2 व्हिच इज ग्रेटर देन थीटा 1 देयरफॉर सी 2 ग्रेटर तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू बट कैपेसिटेंस चेंज नहीं होता है क्यों जैसे हमने बताया सी इज क्यू बाय वी क्यों चेंज होगा तो कैपेसिटेंस चेंज होगा ऐसा नहीं है अगर क्यों चेंज होगा तो वी भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा रेशियो रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द कैपेसिटेंस इज द डिजाइन वैल्यू इसकी वैल्यू फिक्स होता है जैसे ओम्स लॉ में आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट होता है चेंज इन वोल्टेज बाई चेंज इन करेंट जिस प्रोपोर्शन में आप वोल्टेज को चेंज करोगे करंट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा रेशियो रिमेन कांस्टेंट सो सी कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होगी तभी तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है अगर इसकी वैल्यू चेंज होता तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं नेक्स्ट हम आ जाए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस हम पैरेलल प्लेट के लिए कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिर सिलेंड्रिकल स्फेरिकल तीनों में फिर हम आएंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर देन एनर्जी स्टोर तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने यहां दो प्लेट लिया इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज अगर हम चार्ज डेंसिटी के टर्म में लेंगे तो यहां प्लस सिग्मा यहां माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी में चार्ज पर यूनिट एरिया डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इच प्लेट अगर ये पॉजिटिव या नेगेटिव तो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में बताया था कि अगर दो पैरेलल प्लेट हो और उसके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना हो तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं ई दिस इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस ऑफ सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन सिग्मा 1 इज प्लस सिग्मा और सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन और सिग्मा होता है क्यू बाय ए into epsilon. This is equal to electric field. But we know that E is dV by dr minus of dV by dr. dV is the potential difference and dr is the d is the distance between the two plates. So we can write V is equal to E into d. So V this is equal to E into d. And E ki value hume known hai. Q by A into epsilon naught into d this is equal to V. Equation first. But we know that Q this is equal to C into V. C into V is Q into d by A into epsilon. Means C this is equal to epsilon naught into d. This is the capacitance of a parallel plate. Capacitance of a parallel plate when the medium between the plate is vacuum. अगर यही पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें
अगर हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, ये पैरेलल प्लेट, अगर हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट, यही एप्सिलॉन आर के की इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक, द कैपेसिटेंस व्हेन द प्लेट बिटवीन द प्लेट इज मीडियम इज द डाइलेक्ट्रिक, देन एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई ए अपॉन, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इनटू एप्सिलॉन आर, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस in vacuum into epsilon r, this is equal to c into k dielectric, this is equal to capacitance due to medium. इससे हमें एक रिजल्ट मिला है कि अगर हम डायलैक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज. तो एक चीज हमेशा याद रखना, कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होती, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती. या तो सी वैक्यूम है तो सी रहेगा, अगर डाइलेक्ट्रिक है तो के टाइम्स बढ़ेगी, मतलब फाइनली डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस, थिकनेस कम है तो कम बढ़ेगा, थिकनेस ज्यादा है ज्यादा बढ़ेगा, वो तो डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, लेकिन फाइनली यही होता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा. नेक्स्ट, अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करें, स्फेरिकल कैपेसिटर, लाइक एक प्लेट हमने ले और दूसरी प्लेट हम ले, ओ सेल, ये आर्बन रेडियस और ये है रेडियस आर, इसके बीच में या तो आप वैक्यूम में रखो या इसके बीच में आप डाइलेक्ट्रिक रखो, दोनों हो सकते हैं, लेकिन फाइनली यहां पॉजिटिव और यहां आउटर में नेगेटिव. अब क्वेश्चन यह है कि आउटर में पॉजिटिव रखे तो क्या होगा, तो इसका मतलब दो कैपेसिटर रखे, अगर आउटर हमने पॉजिटिव रख दिया तो इसका मतलब उसके सराउंडिंग अर्थ इज नेगेटिवली चार्ज, तो दो कॉम्बिनेशन बन जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तभी हम आउटर एक ही हम स्फेरिकल कैपेसिटर के बात करना चाह रहे हैं, तो आउटर को हमने नेगेटिवली चार्ज मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्चार्ज, इसका मतलब इस दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक इमेजिनरी स्फीयर यहां है, एक इमेजिनरी स्फीयर, इसकी ये रेडियस आर स्मॉल आर, जितना यहां पॉजिटिव चार्ज था उतने ही इंडक्शन होकर यहां नेगेटिव चार्ज. क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कैपेसिटर पर कितनी चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो अगर हम दोनों प्लेट को मिलाते हैं तो हम बोलेंगे नेट चार्ज जीरो है, लेकिन नेट चार्ज जीरो नहीं हो सकता. तो जब भी कैपेसिटर पर चार्ज तुमसे पूछा जाए तो ये समझना कि बस पॉजिटिव प्लेट का चार्ज पूछा गया, क्वेश्चन में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, अदरवाइज नॉर्मली दो प्लेट है एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव तो नेट चार्ज तो जीरो होगा, लेकिन कैपेसिटर की चार्ज मीन्स पॉजिटिव प्लेट की चार्ज, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि जितना चार्ज इस पर हम दे रहे हैं इंडक्शन होकर उतना ही दूसरे प्लेट पर नेगेटिव जा रहा है, तो कैपेसिटर पर चार्ज मीन्स चार्ज ऑन द कैपेसिटर मीन्स चार्ज ऑन द पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट. अगर हमने
जिस आर डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिस इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस वी लिखते हैं, मींस यहां हायर पोटेंशियल पर होगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां लोअर, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखें, तो इनर माइनस आउटर वी वन माइनस और वी टू। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है माइनस ई इंटू डी आर, इंट्रीगेट करें। अब हमें इंट्रीगेट जो करना है वो आउटर से इनर की तरफ, मीन्स आर टू टू आर वन। अब क्वेश्चन ये है कि आर टू टू आर वन क्यों ले रहे, क्योंकि हम नेगेटिव में है। अदरवाइज हम आर वन टू आर टू लिखते अगर ये पॉजिटिव देते तो हमारा तो फॉर्मूला माइनस ई इंटू डी आर हो। तो हमेशा यहां लोअर से हायर कर, वैसे भी इंट्रीगेट आप क्या करते हो, लोअर पोटेंशियल से हायर, तो आर टू से आर वन माइनस ऑफ ई एच क्यू पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी आर, इंट्रीगेट फ्रॉम आर टू टू आर। दिस इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस टू इंटू डी आर फ्रॉम आर टू टू आर। दिस इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन फ्रॉम आर टू टू आर। दिस इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन और माइनस साइन, ये माइनस साइन है, ये माइनस है। अब यहां देखो माइनस वन और माइनस है के प्लस हो गए, वन बाय आर फ्रॉम आर टू टू आर, मीन्स दिस इज इक्वल टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन वन बाय आर वन माइनस ऑफ वन बाय आर। अगर हम इसी को एलसीएम लेते हैं क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन, एलसीएम दिया आर वन आर टू, तो इसे लिखेंगे आर टू माइनस ऑफ आर। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमने ले लिया तो देन क्यू दिस इज इक्वल टू सी इनटू वी। अगर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इसे को हमने वी से लिया, this is equal to c into v is q by 4 pi epsilon r2 minus r1 by r1 r2 q से q cancel, तो c capacitance is 4 pi epsilon r1 r2 by r2 minus r1। This is the capacitance of capacitor, spherical capacitor. Next हम आ जाएं cylindrical capacitor। cylindrical capacitor
नेक्स्ट है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये R1 रेडियस एंड दिस रेडियस इज R2, दिस इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज दिया इस प्लेट प्लस, तो इंडक्शन होकर यहां नेगेटिव और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। हमने स्मॉल आर एक रेडियस लिया, दिस इज द वेरिएबल रेडियस स्मॉल आर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, अगर हम गॉस थ्योरम यूज करें, तो ई डॉट डीएस, गॉस थ्योरम, ई डॉट डीएस दिस इज इक्वल टू Q by epsilon। यहां पर इसे हमने प्लस क्यू चार्ज और यहां माइनस क्यू E into ds is 2 by r into a small r radius हमने लिया। एक्चुअल ये r1 है और ये है r2 radius, this is equal to Q by epsilon। Means E is Q by 2 pi epsilon naught R then अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये वन प्लेट है, यहाँ के पोटेंशियल है वी वन, इसके पोटेंशियल है वी टू, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी वन माइनस ऑफ वी टू दिस इज इक्वल टू माइनस ई इन टू डी आर, इंट्रीगेट करना है फ्रॉम आर टू टू आर वन, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एच अगर क्यू चार्ज है बिग क्यू चार्ज क्यू, तो दिस इज इक्वल टू क्यू बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल इंटू डी आर, this is equal to minus of q by 2 pi epsilon naught l, integrate karna hai dr by r from r2 to r1, r2 to yahan kya lena hai r1, r2 to r1, agar hum ise integrate kare to hame result V, this is equal to V1 minus of V2, this is equal to minus of Q by 2 pi epsilon naught L ln log R from ये है R2 और ये है R1, this is equal to minus of Q by 4 pi epsilon naught 2 pi epsilon naught L ln R1 minus ln R2 minus of Q by 2 pi epsilon naught L ln R1 by R2। अगर हम माइनस हटाएं
तो 2 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन आर 2 एल एन आर 2 ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। देन क्यू दिस इज इक्वल टू सी सी इनटू वी इज 2 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल एल एन आर 2 ln r2 by ये मैंने गलत लिख दिया या हम बीच में इक्वल नहीं है ये ln r2 by r1 ये q से q कैंसिल तो c दिस इज इक्वल 2 pi एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन आर टू बाई आर दिस इज द कैपेसिटेंस सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस के लिए हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लिया वैसे सीबीएसई में नहीं है। नेक्स्ट जो हमें करना है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर फर्स्ट दिस इज कॉल्ड सीरीज ग्रुप एंड सेकेंड दिस इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुप फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सीरीज ग्रुप लाइक फर्स्ट कैपेसिटर सेकंड कैपेसिटर थर्ड कैपेसिटर और इसे हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया। ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द डीसी वोल्टेज बैटरी डीसी सप्लाई दे रहा है तो डीसी में कैपेसिटर में केवल चार्ज स्टोर हो गए यहां से करंट का फ्लो नहीं होता ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगी V कैपेसिटेंस इज C1 ये C2 इसकी कैपेसिटेंस C3 लाइक ये पॉजिटिव प्लेट यहां से पॉजिटिव चार्ज के फ्लो मींस इसको पॉजिटिव मिलेगा जैसे इसे पॉजिटिव मिलेगा तो इंडक्शन होकर यहां नेगेटिव आएगा। अगर हम इमेजिन करें तो अगर इस सिस्टम को हम देखते तो दिस इज द आइसोलेटेड बॉडी अगर केवल हम इतना देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में नहीं है ये दोनों जो एच जैसा बन रही है दिस इज द आइसोलेटेड बॉडी और आइसोलेटेड बॉडी पर नेट चार्ज होता है जीरो तो जितना यहाँ नेगेटिव है उतने ही यहाँ पॉजिटिव आ गए इस प्लेट को उतने ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है पॉजिटिव जितना इसे नेगेटिव अब जैसे ये पॉजिटिव है तो ये प्लेट इससे कांटेक्ट में नहीं है इंडक्शन होकर यहां नेगेटिव आ गई। अब फिर से हम देखेंगे ये जो एच शेप बन गई फिर से एक आइसोलेटेड बॉडी है तो नेट चार्ज जीरो मीन जितना यहां नेगेटिव है फिर से उतना ही यहां पॉजिटिव आ गया यहां पॉजिटिव आ गई फिर से यहां से इंडक्शन होकर यहां नेगेटिव आ गया। तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए क्या कंडीशन है एक कैपेसिटर तो ये है दूसरी कैपेसिटर ये है तीसरी कैपेसिटर ये तीन कैपेसिटर हमारा बनते हैं और एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है
अगर हम डायग्राम बोलोगे तो बड़े से डायग्राम इसमें बना दें। डायग्राम अगर देखो लाइक एक प्लेट, दूसरे प्लेट एक कैपेसिटर सी वन, दूसरा एसी, तीसरा एसी। ध्यान से समझना इस डायग्राम, ये बैटरी वी फोर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मीन्स ये प्लेट पॉजिटिव हो। हमने क्या बताया कि ये पॉजिटिव है, ये कांटेक्ट में नहीं है, तो इंडक्शन होकर यह हम नेगेटिव आ। अगर हम देखें ये पूरी एच से एक आइसोलेटेड बॉडी है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो इस पर नेट चार्ज जीरो होगा, तो जितना यहाँ नेगेटिव है उतना यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर से इंडक्शन होकर यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर से दिस इज आइसोलेटेड बॉडी नेट चार्ज जीरो, तो यहाँ जितना नेगेटिव है उतना यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर इंडक्शन होकर यहाँ नेगेटिव आ गया। तो सीरीज में तुम देखो चार्ज कॉन्स्टेंट है। अब हमें सीरीज ग्रुपिंग हम कैसे बोलते हैं, तो दिस कैपेसिटर का नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव के साथ, फिर दूसरे का नेगेटिव फिर थर्ड के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज में तुम देखो चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, सीरीज में चार्ज कॉन्स्टेंट होता है, वोल्टेज वैरी करेगा क्योंकि कैपेसिटेंस वैरी करेगा रेजिस्टेंस की तरह, सीरीज में करंट कॉन्स्टेंट होता है लेकिन वोल्टेज वैरी करती है। इसके लिए वोल्टेज ये V1 हमने लिया, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 लिया, इसके लिए वोल्टेज V3 लिया। इसका मतलब V दिस इज इक्वल टू सप्लाई यूटिलाइज के इक्वल होने चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। तो V इज द सम ऑफ V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ V3। अगर हम V लेते हैं V is Q by C equivalent in series, Q by C1, Q by C2, Q by C2। नेट चार्ज जीरो नहीं लेना है हमें, केवल पॉजिटिव प्लेट के चार्ज लेना है, कैपेसिटर के चार्ज में पॉजिटिव प्लेट के चार्ज, तो 1 by CS, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C, this is the equivalent capacity। अगर दो कैपेसिटर का केस ले रहे हैं तो सी एस हम लेंगे डायरेक्टली सी वन इंटू सी टू बाई सी प्लस। नेक्स्ट इज पैरेलल, अगर हमें पैरेलल के लिए डायग्राम अगर हमें देखना है तो लाइक एक कैपेसिटर ये, दूसरी कैपेसिटर हम ये ले रहे हैं, तीसरी कैपेसिटर हम, ऑलवेज रिमेंबर जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो सबके पॉजिटिव एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट, सबके नेगेटिव एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग, दिस इज कॉल्ड पैरेलल। ये पॉजिटिव नेगेटिव व्यू वोल्ट सप्लाई, तो देखो हर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होगा और हर एक कैपेसिटर का नेगेटिव एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट है, मींस दीज आर कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, इसकी कैपेसिटेंस C3। अगर मैंने C2 C3 को रिमूव कर ले तो C1 के लिए वोल्टेज है V, अगर हम C1 C3 को रिमूव करें तो C2 के लिए वोल्टेज है, C1 C2 को रिमूव करें तो C3 के लिए वोल्टेज भी है, इसका मतलब पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो वैरी क्या करेगा, चार्ज, चार्ज वैरी करेगा क्योंकि कैपेसिटेंस डिफरेंट है। अगर हम देखें तो वोल्टेज कांस्टेंट होती है पैरेलल में, इसका मतलब चार्ज वैरी करते हैं पैरेलल में, वैरी क्या करते हैं तो चार्ज, चार्ज वैरी नहीं कर सकता है, सेम ही रह सकता है। अगर हम तीनों कैपेसिटर को आइडेंटिकल अगर हम लेते हैं तो जो चार्ज बैटरी से सप्लाई जाएंगे वो तीनों कैपेसिटर को इक्वली डिवाइड करेंगे, तो वहां पर इस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज तीनों के लिए सेम है।
नॉर्मली अगर हम कैपेसिटेंस को चेंज कर दें, उसकी वैल्यू तीनों को डिफरेंट वैल्यू हम लिखते हैं C1, C2, C3, तो उस केस में हम बता सकते हैं कि चार्ज डिफरेंट होगा। लाइक यहां से हमने Q चार्ज सप्लाई किया, कैपेसिटेंस C1 इसको Q1 चार्ज, C2 इसको Q2 चार्ज, C3 इसको Q3 चार्ज। हमेशा इक्वेशन हम उसी का लिखते हैं जो वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट का इक्वेशन नहीं लिखा जाता। तो इसका मतलब वेरिएबल इज Q, दिस इज द सम ऑफ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज C इक्विवेलेंट पैरेलल इनटू V, C1 इनटू V, C2 इनटू V, C3 इनटू V, मींस CP is the sum of C1 plus C2 plus C3. This is called parallel. तो parallel में capacitance sum होता है, series में 1 by CS is 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. Next, अब हम आ जाएं energy stored. वैसे energy stored भी syllabus इस बार कटा हुआ है। Energy stored. Stored. In capacity, we know that V is equal to W, means W this is equal to V into Q. अगर हम dW लेते हैं तो V into dQ equation first. But we know that Q this is equal to C into V, means V is Q by C from first and second. dW this is equal to Q by C into dQ into dQ, 0 to Q. This is W, this is equal to Q square by C. Work done or energy stored. अगर हमें Q और C की वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ से फॉर्मूला यूज कर ले, मतलब ये फॉर्मूला नॉर्मली हम कहाँ यूज करते हैं, सीरीज ग्रुप में, क्योंकि सीरीज में चार्ज की वैल्यू सेम होता है, तो दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज। अदरवाइज हम Q को C into V अगर रखते हैं अपॉन 2C तो यहां से आ जाएगा हाफ सीरीज, ये भी हमारा एनर्जी स्टोर का। लेकिन ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करेंगे, जब वोल्टेज कांस्टेंट मींस लाइक दिस इज द पैरेलल तो सीपी, अदरवाइज नॉर्मली क्यू को हम क्यू इनटू क्यू बाय 2C भी, एक क्यू को सी इनटू वी इनटू क्यू बाय 2C, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू इनटू वी। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर वर्क डन और एनर्जी स्टोर के लिए फॉर्मूला है एक क्यूब स्क्वायर बाय 2C, हाफ CV स्क्वायर, हाफ ऑफ क्यू इनटू वी। ये तीन फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में जैसे गिवन होगा आप उसी के अकॉर्डिंग आप इसको यूज करोगे। नेक्स्ट इसमें एक टर्म आता है एनर्जी डेंसिटी। जैसे मास डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, सेम होता है एनर्जी डेंसिटी, दिस इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एनर्जी।
energy density. This is denoted by small. Energy density is the energy per unit volume, जैसे mass density, mass per unit volume. इसको small u से denote करें. Energy by volume. Energy is half cv square. Volume is a into. This is equal to half. C is epsilon naught a by d into v square by a into. A से a cancel. This is equal to half epsilon naught v by d cancel. अब v means potential distance. This is equal to half epsilon naught e square. This is called energy density. ये भी वैसे CBSE में नहीं है, कट गई. Means E square, where E is the electric field. Next is a term आता है common potential. ये केवल जो energy या energy density, इसका आपको formula केवल करना है, इसका derivation CBSE में नहीं. Common potential and loss of energy. कॉमन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? कॉमन का मतलब होता है सिमिलरिटी. मींस टू और मोर कैपेसिटर का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉमन पोटेंशियल. तो सेम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये मस्ट है कि जो ग्रुपिंग होगी दिस इज द पैरेलल ग्रुप, तभी यहां कॉमन पोटेंशियल आ सकता है. सेम पोटेंशियल तभी हम रख सकते हैं जब टू और मोर कैपेसिटर का ग्रुपिंग पैरेलल ग्रुप, तभी हम इसको कॉमन पोटेंशियल दे सकते हैं. लाइक एक कैपेसिटर हमने लिया जिसकी कैपेसिटेंस है C1 एंड देयर पोटेंशियल इज V1 और इसका चार्ज Q1 इस पे है, तो हम लिख सकते हैं Q1 दिस इज इक्वल टू C1. अगर इसमें हम एनर्जी स्टोर रखेंगे तो हाफ सी वन के बने. अगर हमने दूसरा कैपेसिटर लिया जिसके कैपेसिटेंस है सी टू और पोटेंशियल है वी टू और इस पर चार्ज स्टोर है क्यू टू, तो क्यू टू आएगा सी टू इंटू वी टू और एनर्जी स्टोर होगा हाफ सी टू इंटू. अगर हम दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो V दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल और इसमें चार्ज क्यू स्टोर, तो क्यू होगा C1 प्लस ऑफ C इनटू V, वेयर V दिस इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल क्योंकि पैरेलल में हमने ग्रुपिंग कर दी. अगर हमें एनर्जी स्टोर चाहिए U तो हाफ C1 प्लस C2 पैरेलल में इंटू V. अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर हम यूज करें तो जितने चार्ज यहां स्टोर है जितने चार्ज यहां स्टोर है दोनों का सम तो यहां स्टोर होगा क्योंकि चार्ज ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज Q1 plus of Q2 is equal to Q. Q1 is C1 V1. Q2 is C2 V2. Q is C1 plus C2 into V. So V यहाँ से हम लेंगे. This is equal to C1 V1 plus of C2 V2 upon C1 plus. This V this is called common potential. अगर हम यहाँ से loss of energy calculate करें the loss of energy this is equal to, अगर loss जब भी हम grouping करेंगे तो energy का loss होगा चाहे वो series grouping हो या parallel, energy का loss होगा क्योंकि charge का movement होगा, heating effect होगा, energy का loss होगा
एनर्जी के लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एनर्जी के लॉस किस फॉर्म में होगा, तो इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन। तो इनिशियल इज मोर देन फाइनल, तो लॉस हम लेंगे तो इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल। तो इनिशियल दिस इज इक्वल टू हाफ सी वन वी वन हाफ सी टू वी टू माइनस हाफ सी वन प्लस ऑफ सी टू इंटू वी स्क्वायर। यहां से वी की वैल्यू पुट कर लो तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा सी वन सी टू ट्वाइस ऑफ सी वन प्लस ऑफ सी टू इंटू वी वन माइनस वी टू टू द स्क्वायर, दिस इज द लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा यू। नेक्स्ट हमारा इसमें है कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये भी एग्जाम में डेरिवेशन में पूछा जाता है। जब हम डाइलेक्ट्रिक एक स्लैब लेते हैं जिसकी थिकनेस टी है और ये प्लेट पैरेलल प्लेट के बीच में इंसर्ट अगर हम करें तो उसके कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी विच इज लेस देन बी inserted between the plates। जैसे हमने दो पैरेलल प्लेट लिया, दो प्लेट हम ले रहे हैं कैपेसिटर के लिए, ये पैरेलल प्लेट और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे जिसकी थिकनेस है डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट प्लस क्यू चार्ज, तो इंडक्शन होगा तो यहां माइनस आएगा, फिर यहां प्लस आएगा, फिर इंडक्शन होगा तो यहां माइनस, यहां पोटेंशियल डिफरेंस वी वन, यहां के पोटेंशियल डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव है तो वी टू, यहां पोटेंशियल डिफरेंस वी थ्री। अगर हमने इसको बीच में इंसर्ट किया है, टोटल डी है दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, और इसको बीच में इंसर्ट किया इसकी थिकनेस है टी, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा डी माइनस टी। अगर मिडिल में है तो डी माइनस टी को हाफ हाफ कर दो, डी माइनस टी बाई टू डी माइनस टी। अब हम ये देखें कि प्लेट तो हमारा पैरेलल है, ऐसे पैरेलल प्लेट है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, द प्लेट्स आर इन पैरेलल बट द ग्रुपिंग इज द सीरीज ग्रुपिंग बिकॉज पोटेंशियल इज वेरी, तो ये सीरीज ग्रुपिंग है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा वैक्यूम है तो ई नॉट। डाइलेक्ट्रिक में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें लेना है तो E वैक्यूम माइनस ऑफ E पोलराइज, E जो नेट लेते हैं तो वैक्यूम के इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर होता है और नेट इसकी वैल्यू E नॉट बाई K इक्वल K द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां पोटेंशियल वेरी कर रहा है, हम इक्वेशन लिखेंगे V इज द सम ऑफ V1 प्लस ऑफ V2 प्लस ऑफ V3, जो वेरी करता है हम उसी का इक्वेशन लेते हैं और V दिस इज इक्वल टू E नॉट, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू D और D इज द D माइनस T बाई 2 प्लस ऑफ V2 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में, तो ये कितने आ रहे E नॉट बाई K इंटू D प्लस, अब यहां हम देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहां E नॉट, तो ये आ गए E नॉट इंटू D माइनस T बाई 2, इन दोनों का सम कर लो दिस इज इक्वल टू E नॉट D माइनस ऑफ T प्लस ऑफ E नॉट बाई K इंटू दिस इज इक्वल टू E नॉट D माइनस ऑफ T प्लस ऑफ T बाई 2 दिस इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T कॉमन ले लिया 1 माइनस ऑफ 1 बाई K और इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट D माइनस ऑफ T 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन सिग्मा दिस इज इक्वल टू क्यू बाई ए चार्ज पर यूनिट एरिया डी माइनस ऑफ टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट 1 माइनस 1 अपॉन के दिस इज इक्वल टू वी। तो हम क्यू अगर कैलकुलेट क्यू दिस इज इक्वल टू सी इंटू वी, यहां से हम वी की वैल्यू लेंगे C into V is Q by A into epsilon naught D minus of T 1 minus of 1 by K. This is equal to Q. Q से Q cancel. C this is equal to epsilon naught A upon D minus of T 1 minus of 1 by K. This is equal to epsilon naught A upon D common 1 minus of T by D 1 minus of 1 epsilon not A by D this is equal to C 1 minus T by D 1 minus 1 this is equal to C। तो यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया डिनोमिनेटर में 1 minus means this value is less than 1 means C this is greater than C। तो डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करने पर कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइनली इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों समझ में आ गया, तो यहाँ तक मेनली कैपेसिटेंस का यही थ्योरी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपेसिटेंस पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर 2 का न्यूमेरिकल के वीडियो मिलेगा। ओके ऑल द बेस्ट।